Hello students, in the earlier classes I have taught you the uses of simple present continuous, and I will be present in the next class with the next rules of tense, but I am present here with past tense, and now I would like to make you understand simple past tense. What is the utility of simple utility of past tense? And as I have mentioned in the earlier classes, no, every tense consists its own definition. जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया दिया है कि प्रत्येक टेंस जो है अपना डिफिनेशन खुद ही में रखता है. और इस तरह से जब आप देखोगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपली कोई काम अगर पास्ट टेंस में होते हैं तो वैसे सारे काम को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं. When an action simply occurs in past time, it is said to be in simple past tense. And it means, और इसका दूसरा नाम भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यानी कि बीते समय में जब किसी काम के होने का समय निश्चित नहीं हो तो वैसे सारे काम को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं. जैसे मैंने खाया, वह बाजार गए, वे लोग अपना काम किए. मैंने खाया मतलब बीते समय में, वह बाजार गए, and it means this sentence also shows the past tense, और वे लोग अपना काम किए, it means the verb of the sentence also denotes or indicates the past tense. मैंने खाया, वह बाजार गए, वे लोग अपना काम किए. अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सारे टेंस में कि आपको सारे टेंस का आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर एकदम से दिमाग में रखना है. अगर आप इन चीजों को दिमाग में नहीं रखोगे तो फिर सेंटेंस कन्वर्सन जो आइडियाज आपके दिमाग में चल रहा है उसको फिर आप कॉपी पे नहीं लिख पाओगे. मतलब तो जो हम सिंपली गलती करते हैं उस गलती को आप निकाल नहीं पाओगे. तो अभी जो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं इसका जो टोटल एम है, जो एम्बिशन है, वह आपको एबल बनाना, ताकि आप किसी भी इंसिडेंट को जो कि पास्ट मोमेंट में हुए हैं, पास्ट टाइम में हुए हैं, उनको आप लिख सकते हो. वह सब आइडिया जो पास्ट टाइम से रिलेटेड है उसको आप कॉपी पर लिख सकते हो बाय टेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो अब इसीलिए सारे टेंस का आइडेंटिफिकेशन दिमाग में बैठ जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. जैसे सिंपल प्रेजेंट, जिस किसी सेंटेंस के अंत में नाते भी लगा हो तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट बाय टेकिंग द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव, वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. After then, present continuous tense. No, it means रहा है, रहे हैं, रही है. No, अगर ऐसा कोई सेंटेंस का अगर भाव समाप्त होता है तो सब के सब भाव present continuous tense में consider किए जाते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे मैं आपको identification क्या है इस टेंस के उसको मैं बताऊंगा. मैंने खाया तो आ, वह बाजार गई तो ई या ई. No, और वे लोग अपना काम किए तो ए या ए, आ ई ए. अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस का समापन आई ए से हो, आ ई ए, आई ए हर बैठ जाएंगे. आइए मैंने खाया, वे लोग बाजार गए, ए रजिया अपना काम की, ई. तो ऐसे सारे सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं. एंड एज सून एज यू आइडेंटिफाई ना द वर्ब ऑफ द सेंटेंस आफ्टर देन यू कैन इजीली कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश बाय टेकिंग दिस स्ट्रक्चर. एज यू नो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. मैंने खाया, आई एट, वह बाजार गए, सी वेंट टू मार्केट, वे लोग अपना काम किए तो दे रीड दिया वह. यस फ्रेंड, वन थिंग्स आई वांट टू मेक यू क्लियर, और इट मींस अपना. जैसे मैं आई से अगर अपना काम ले लिया, आपको लिखना है तो मैं आई डू. देखोगे मैंने अपना काम किया तो आई
my boss. यू से अपना का योर, अगर इसमें वी होता है तो अपना का अंग्रेजी आवर, ही हिज सी हर दे से दे। और इट मींस अगर मैंने अपना काम किया तो आई डिड माय वर्क, हम लोग अपना काम किए तो वी डिड आवर वर्क। इन द सेम वे तुम अपना काम किए तो यू डिड योर वर्क, तो इन द सेम वे और इट मींस यू हैव टू अप्लाई माय आवर योर हिज हर और देयर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ना, और इट मींस अपना के अंग्रेजी के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर सिंपल पास टेंस पढ़ने की यूटिलिटी क्या है, क्या आवश्यकता है इसको पढ़ने का। तो जैसे आप किसी भी पास इंसिडेंट को लिखना चाहते हो नो, तो बाय टेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास टेंस यू कैन राइट डाउन ना द इंसिडेंट एनी अकरेंस बाय टेकिंग दिस स्ट्रक्चर। जैसे अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारत को देखा और इसकी स्थिति को समझा, इसकी स्थिति को समझा। वे हमारे शासक बन गए। देखोगे अंग्रेज भारत आए तो ए आए, उन्होंने समझा तो आ, बन गए तो ए। मतलब किसी भी हिंदी सेंटेंस का जो समापन है, किसी हिंदी सेंटेंस का जो क्रिया वर्ब है, अगर वो आ ए ई आईए से समाप्त होता हो तो ऐसे सारे वर्ब को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं और बहुत आसानी से By taking this structure, we can convert the sentence into English. Any ideas which belongs to past time, you can convert them, you can write down them by taking the structure of simple past tense. और अब जैसे ही sentence, जैसे ही आप टेंस को बारीकी से समझोगे तो किसी कहानी को लिखने में आप सक्षम हो जाओगे, और इट मीन्स कोई भी इंसिडेंट जो कि पास्ट टाइम से संबंधित है उसको आप बहुत ईजिली राइट डाउन कर सकते हो। तो देखो कि अंग्रेज भारत आए तो द इंग्लिश Men came to India. उन्होंने भारत को देखा तो they saw India and understood her condition. वे हमारे शासक बन गए तो they became our रूलर्स। देखो केम भी टू ना, सॉ भी टू, अंडरस्टूड भी टू और वी केम भी टू। मतलब बाय टेकिंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन राइट डाउन एनी इंसिडेंट एनी अकरेंस ऑफ पास्ट टाइम नो वेरी इजीली। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फर्दर एंड हैव टू सी द नेगेटिव सेंटेंस नो of simple past tense, negative sentence, structure, subject plus did, not plus be one, object plus others. He did not go to market. Ravi did not play hockey. In the same way, we have to see the interrogative sentence. If the interrogative sentence has been given, so how can you write down? So first of all, you have to write down did, after then subject. If the sentence is negative, you have to write down not, after then be one, object plus others, and put the quote.
क्वेश्चन मार्क्स, डिड यू लाइक मी, डिड रवि नो हिम, नो, आफ्टर देन वी हैव टू सी द डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस, WH question sentence. First of all, you have to write down WH family word. Just like why, whom, where. No. After that, the subject plus if the sentence is negative. No. You have to write down not after then the one object plus others and put the question marks. तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? Why did you not do your work? And why did she call you? Did. Dear student, no? And it means a person will write in mind, sir. No, he one is used here. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ देखो helping verb did लग जाता है, helping verb did जो कि V2 है, तो एक सेंटेंस मतलब अगर सिंगल सेंटेंस हो तो V2 का यूज वन टाइम करेंगे एक बार, जैसे अब did लग गया तो यह past tense का helping verb है, इसीलिए आगे वाला verb V1 हो जाता है, इट मीन्स V1 ही हम लगाते हैं। अब जो हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात देखना है वह यह है, अब आप हेल्पिंग वर्ब देखते हो, हेल्पिंग वर्ब नो, जैसे इज आर, इज एंड आर, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस आल्सो, एंड व्हेन यू कन्वर्ट इनटू पास्ट इट बिकम वाज एंड वर, वाज एंड वर, तो हियर आई आल्सो वांट टू मेक यू अवेयर द यूजेस ऑफ वाज एंड वर। एक राजा था, एक राजा था, तो आपको इसको पास्ट टेंस इतने सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर लेके इसको बनाना है, तो देयर वाज अ किंग, एक किसान था जिसके चार पुत्र थे, जिसके चार पुत्र थे, तो देयर वाज अ फार्मर हू हैड फोर सन्स, एंड इट मींस हैव और हैज जो देख रहे हो, हैज इसके पास्ट फॉर्म, ही टू फॉर्म जो होते हैं वो हैड होते हैं, इज आर का ही टू फॉर्म वाज पर होता है, और ये सब के सब सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने का मतलब यह कि आप कोई स्टोरी डेवलप कर सकते हो, जैसे एक किसान था जिसके चार पुत्र थे, वो आपस में झगड़ा किया करते थे, किसान उनके झगड़े को देखकर ना खुश रहता था, और इस तरह से एक कौवा था ना, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो देयर वाज अ क्रॉ, द क्रॉ वाज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, और इस तरह से आप किसी भी कहानी को लिख सकते हो, इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे, और आपको जो असाइनमेंट दिया गया है स्टोरी डेवलप करने के लिए, तो बाय टेकिंग द स्ट्रक्चर और द फ्लो ऑफ सिंपल पास्ट टेंस यू बी एबल, यू मस्ट बी एबल टू राइट डाउन ना, टू राइट डाउन द स्टोरी ऑन द गिवन आउटपुट्स, दैट्स ऑल, आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स ऑल, थैंक यू।